गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएसएलपीएस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एफटी स्टाफ जो है और देयर डिपेंडेंट जो है उसके ऊपर कि ई कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे या कोई ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें गूगल ओपन करेंगे, गूगल में लिखेंगे मेडी असिस्ट टीपीए लिखना है। क्या लिखना है, मेडी असिस्ट टीपीए लिखना है, उसको ओपन करना है। फिर यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा या मेडी असिस्ट टीपीए यहाँ जो करके आ रहा है, यहाँ पे मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। आ करके यहाँ पे ऑप्शन देगा, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए पॉलिसी होल्डर बेनिफिट्स यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे डाउनलोड ई कार्ड पे जाएंगे। मसला है मेरा ई कार्ड पहले सभी के पास अवेलेबल हो जाए, बस यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालना है, उसके बाद नीचे कंपनी नेम डालना और डेट ऑफ बर्थ डालना है, यही करना है। एम्प्लॉय कोड सब अपना अपना जो है वही, एन आगे नहीं लगाना है, जितना है वही लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी नेम में क्या लिखना, पूरा लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख करके रखा हूँ वैसे। और दूसरा ऑप्शन ये यहाँ पे बताऊंगा पहले, ये आसान तरीका है यहाँ पे जो मेंशन करके रखा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है यहाँ पे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया। और देखिए और यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड ई कार्ड करना है, यहाँ पे डाउनलोड ई कार्ड करना है, इस पर क्लिक करना है। कुछ मिनट लगेगा, उसके बाद यहाँ सारे देखिए आपका फैमिली मेंबर का यहाँ पे, जैसे मैं अपना डाला हूँ तो सारे मेंबर यहाँ पे आ गया है, मैं और मेरे वाइफ है और मेरे माँ बाप और एक मेरा बेटा है, उनका है यहाँ पे मेंशन। टोटल अभी 5 मेंबर का है, 6 मेंबर तक का यहाँ पे मेंशन रहेगा और इसके अलावा नहीं रहेगा, दो ही बच्चा अलाउड रहे उसको वही मेंशन रहेगा, बाकी बात आपका नहीं लेगा। अगर उसके लिए भी कंडीशन है, अगर थर्ड का रखना है तो थर्ड बच्चे का भी रखना तो उसके लिए भी कंडीशन है, उसको पेवेबल है वो, शायद उसको अभी नहीं बात कर रहे। अभी पहले बात करते हैं डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने वाले पे या किसी पे भी क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउनलोड होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपना वाले पर क्लिक किया, फिर से यहाँ पे बेनिफिशरी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसको भी फिल करना है तभी ऑप्शन आएगा वो डाउनलोड का। दोबारा यहाँ पे डालने बोल रहा है एज ए वेरीफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर से वेरीफाई के लिए मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड ई कार्ड पे, देखिए यहाँ पे नीचे है ये मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको डाउनलोड करें, यहाँ पे जितना सेकंड लग जाए, मिनट लगे या सेकंड लगे, यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। ये मैं सेव कर रहा हूँ, ये मेरा सभी मेंबर का इसमें है, जैसे कि पांचों मेंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो पांचों मेंबर यहाँ पे मेंशन होगा, इंक्लूडिंग नहीं, ठीक है। और या तो उसको भी ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं, डाउनलोड में है, यहाँ पे ई कार्ड आ गया, यहाँ पे मेरा नाम देख पा रहे होंगे, ये कार्ड इसको प्रिंट आउट करके रख लो, ठीक है। ये मेरा डायरेक्ट आपका साइट पे जाकर के मैंने दिखाया, लेकिन और शॉर्ट फॉर्म करना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे भी जाकर के जा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ से भी लिया उठाया था, मैं यहाँ पे भी रखा था, लेकिन यहाँ से फिर से मैं जाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक chkyouth.blogspot.com पे मैं मेंशन करके रखा हूँ, chkyouth.blogspot.com पे, यहाँ पे चक यूथ हिंदी में आएगा, चक यूथ आएगा हिंदी में, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे अभी इसके अलावा दूसरा कोई अभी पोस्ट नहीं, ब्लॉग पोस्ट नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखें ग्रुप जेएसएलपीएस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एफटी देयर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे इसको रीड मोर पे जाना है, यहाँ पे सारे यहाँ सारे चीज़ें लिखा हुआ है, पॉलिसी नंबर ये वो सारे चीज़ जितना कब तक वैलिड है मेरा वो सारे चीज़। जब आया था तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आया तो वहाँ से मैंने इसको कॉपी करके रख लिया हूँ मैं यहाँ पे, ताकि सभी के लिए बेनिफिट ले सके, इसका एक जगह स्टोर करके रख लिया हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि डाउनलोड ई कार्ड, जैसे इसको ओपन किए, ओपन करने के बाद सारे चीज़ मेंशन किया, उसके नीचे मैं डाउनलोड ई कार्ड पे रखा हूँ, तो यहाँ पे जा सकते हैं, सेम वही प्रक्रिया है, इस यही प्रक्रिया आसान है। यह वाला पॉलिसी डिटेल से जाएंगे तो उसमें बेनिफिशरी और पॉलिसी नंबर डाल या कल्याण आईडी डालिएगा तो अलग चीज़ आ जाएगा, इसलिए सबसे यही वाला कॉर्पोरेट डिटेल पर जो है यही वाला ऑप्शन बेहतर है कार्ड ई कार्ड डाउनलोड करने के लिए।
शायद आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे शायद, उम्मीद है। चलिए अब यहीं पे मैं ट्वीट करता हूँ यहाँ से। थैंक यू फ्रेंड।